जी यहां पर हम बात करें कि एफ जो है ये मीन वैल्यू थ्योरम को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एफ प्राइम ऑफ सी जो है ये फिर इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए इसके इक्वल होगा बट अब हमें ये पता है कि एफ प्राइम ऑफ सी जो है f प्राइम ऑफ एक्स कह लें कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और आ, A जो है वो लेस देन सी है तो डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए आप इसको कैसे लिखेंगे जी f ऑफ f प्राइम ऑफ ए और ग्रेटर देन f प्राइम ऑफ सी यहां पर आप एफ प्राइम ऑफ सी की वैल्यू जो ऊपर आपने बनाई हुई है वो पुट कर दें एफ प्राइम ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए ये हमने ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसकी राइट राइट इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर दी है अब आप बोले कि जो c है वो लेस देन b है तो अब फिर डिक्रीजिंग फंक्शन की क्वालिटी को यूज करते हुए f f c जो होगा वो greater than f of b बन जाएगा तो दोबारा यहां पर ये वैल्यू पुट करें f प्राइम ऑफ c की F ऑफ b माइनस F ऑफ ग्रेटर देन f प्राइम ऑफ b लो जी ये आपके पास लेफ्ट इन प्रूफ हो गई तो इनको आपस में कंपेयर करके तो आप इस तरह कंबाइन फॉर्म में भी राइट right कर सकते हैं तो सपोज एफ इज डिफ्रेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी ठीक है और डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली है डिक्रीज कर रहा है जो डेरिवेटिव है इसी इंटरवल के ऊपर तो फिर ये इन जो है ये सेटिस्फाई करेगी बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट नाइन्थ थ्योरम के अंदर है बट उसके अंदर इंक्रीजिंग होगा तो ये जो इनइलिटी का ऑर्डर है ना ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा इधर एफ प्राइम ऑफ बी जो है वो समालर था डिक्रीजिंग वाले फंक्शन मतलब बी के ऊपर जो डेरिवेटिव था जो इंटरवल की बड़ी वैल्यू थी उस पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो समालर थी और जो इंटरवल की समालर वैल्यू थी वहां पर डेरिवेटिव लार्जर था ये था जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन था और इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जो डेरिवेटिव जो स्मॉलर वैल्यू इंटरवल की उस पे डेरिवेटिव भी स्मॉल है और जो लार्ज वैल्यू के ऊपर डेरिवेटिव भी लार्ज है तो इस तरीके से आप इसको याद कर लें जी नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ पॉसिबल ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ये तो डिफ्रेंशियबल uh, ही नहीं है ना नॉट ये हमने रोल्स थ्योरम वाली एग्जांपल्स के अंदर देखा था तो ये नॉट डिफ्रेंशियबल ऑन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कि ओपन इंटरवल माइनस वन और वन की तमाम वैल्यूज के ऊपर ये डिफ्रेंशिएबल हो तो इसीलिए यहां से आप सी फाइंड नहीं कर सकते इसी तरह जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है इसकी भी सेम यही रीजन लिखेंगे कि ये भी x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर नॉट डिफरेंशियबल है इसी तरह ये हमारे पास थर्ड एक और एग्जाम्पल है तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा तो यहां पर ये पोलिनोमियल फंक्शन है और आपको पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस एवरीवेयर डिफ्रेंशियबल होते हैं तो ये मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसीलिए इसके लिए कुछ नंबर सी एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर बट हम यहां से डेरिवेटिव पहले तो इसका फाइंड करते हैं इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर इसको राइट कर लें तो ये बन जाएगा एक्स uh, और एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स को भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा जी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स

एफ एफ बी माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए तो अब यहां पर यह हो जाएगा थ्री सी स्क्वे और माइनस सिक्स सी प्लस टू और एफ ऑफ बी बी यहां पर कौन है वन बाय टू तो पहले आप यहां से एफ ऑफ बी कैलकुलेट कर लें एफ ऑफ बी से मुराद वन बाय टू पर वैल्यू फंक्शन की निकालनी है तो ये बन जाएगी वन बाय टू वन बाय टू माइनस वन और वन बाय टू माइनस टू तो ये हो जाएगा वन बाय टू माइनस वन बाय टू और माइनस थ्री बाय टू तो ये हो जाएगा जी थ्री बाय एट पॉजिटिव सिमिलरली अगर आप एफ ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं तो वो एफ ऑफ जीरो बन जाएगा तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा तो अब ये वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दें इसके अंदर एफ ऑफ बी आपके पास थ्री बाय एट है और ये आपके पास जीरो है और ये वन बाय टू माइनस जीरो है तो ये थ्री बाय फोर बन जाएगा आई थिंक तो फोर को आप इस तरफ मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व सी स्क्वेर और माइनस फोर सिक्स इज द ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर सी और प्लस फोर टू इज द एट और ये इक्वल टू थ्री तो ट माइनस ट्वेंटी फोर सी और प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करें वहां से सी की दो वैल्यूज निकलेंगी तो उनमें से आप देख लें कि कौन सी वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है तो वो सी की रिक्वायर्ड वैल्यू बन जाएगी तो इस तरीके से आप मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जो सी है वो आप फाइंड आउट करेंगे जी इसी तरह का एक और नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे टू एक्स माइनस फोर आ जाएगा इसका जो डेरिवेटिव है और अगर आप एफ ऑफ फाइव uh, निकालें तो वो फाइव माइनस फोर का स्क्वायर होएगा दैट इज इक्वल टू वन और एफ ऑफ फोर अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आई थिंक फाइव सॉरी फोर माइनस फोर ये आपके पास जीरो आ जाएगा तो अगर आप मीन वैल्यू थ्योरम यहां पर यूज करते हैं तो वो बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ सी और एफ ऑफ एफ ऑफ फाइव माइनस एफ ऑफ फोर डिवाइडेड बाय फाइव माइनस फोर एफ ऑफ फाइव हमने निकाला हुआ है जी वन माइनस जीरो और नीचे ये वन आ जाएगा तो दैट इज इक्वल टू वन एफ प्राइम ऑफ सी हमारे पास है जी टू और सी माइनस फोर इज इक्वल टू वन तो सी माइनस फोर इज इक्वल टू वन बाय टू और सी इज इक्वल टू वन बाय टू प्लस फोर आ जाएगा तो ये फोर पॉइंट फाइव बन जाएगा और ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो मेन वैल्यू थोर मतलब मतलब इसका ये है कि ये जो आपके पास फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर फोर और फाइव के ऊपर जो इसका कार्ड बनने वाला है उस कार्ड के जो पैरल टेंजेंट है वो पैरल टेंजेंट जो है वो फोर पॉइंट फाइव के ऊपर एग्जिस्ट करेगा ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको देखें तो जैसे x की वैल्यू फोर है तो वहां पर तो y जीरो होगा मतलब ये सपोज कर ले x इज इक्वल टू फोर है और दूसरा इसका अगर इंटरसेप्ट देखें दूसरा वो सिक्सटीन बनता है तो मतलब ये शायद कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा तो अब यहां पर अगर आपने एफ ऑफ पहले आपने निकाला था एफ ऑफ फाइव और एफ ऑफ फोर ये जो एफ ऑफ फोर है यहां पर तो ये वैल्यू जीरो है और एफ ऑफ फाइव के ऊपर ये वैल्यू वन है तो ये कार्ड जो है वो ये फाइव है ये फाइव है तो ये कार्ड जो है ये यहां से इस तरह से बनेगा ये तो हो गया जी कार्ड अब यहां पर ये फोर पॉइंट फाइव है तो इसके ऊपर ये टेंजेंट बन जाएगा तो आप देखें ये बिल्कुल पैरल बने हैं ठीक है तो इसका मतलब है कि ये इस कार्ड के पैरल ये कोई टेंजेंट इसके ग्राफ पे एग्जिस्ट करता है जी इसी तरह की एक और एग्जांपल है इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा अच्छा यहां पर अब मीन वैल्यू थ्योरम से कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वेलिटीज भी हम प्रूव कर लेते हैं जैसे फर्स्ट इनइक्वेलिटी है हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन एक्स इसका मॉड जो है वो एक्स माइनस वाई के इक्वल है तो अब यहां पर आप देखें जी एफ ऑफ एक्स जैसे आपके पास है ये या कोई और इसको वेरिएबल को नाम दे लें और ये साइन टी है अब हमें ये पता है कि साइन टी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर कंटिन्यूस है हम अपनी आसानी के लिए कोई दो वैल्यूज ले लेते हैं ये कोई सब इंटरवल ले, ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर का फॉर एनी रियल नंबर एक्स वाई यहां पर हमने ये चूज किए तो ये चूंकि मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब है कि इसका अगर हम डेरिवेटिव भी साथ ही निकाल लें तो वो कॉज टी होता है तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस इंटरवल एक्स वाई के अंदर सच दैट के सी पर जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा एफ ऑफ वाई माइनस या एफ ऑफ एक्स पहले लिख लें आप आपने उसको बाद में लिख चलो इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई और माइनस एफ ऑफ एक्स ये तो आपने फर्जी तौर पे सपोज किया ना आप इंटरवल को चेंज करके वाई एक्स भी लिख सकते थे तो ये वाई माइनस एक्स आ जाएगा यहां पे ये मैंने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दिया हुआ है तो अब यहां पर एफ प्राइम ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी कॉज सी और एफ ऑफ वाई की जगह आप लिखेंगे साइन वाई माइनस साइन एक्स और नीचे भी वाई माइनस एक्स इसकी आप ले लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू साइन वाई माइनस साइन एक्स और वाई माइनस एक्स और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू कॉस सी और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता है कि कॉज की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो लेस और इक्वल टू वन होती है तो यहां से आप राइट कर सकते हैं जी साइन वाई माइनस साइन एक्स और ये जो वाई माइनस एक्स है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी को इन इक्वेलिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये वाई माइनस एक्स तो यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्योंकि वो साइन कॉमन लें तो फिर भी पॉजिटिव हो जाता है मतलब ये आप प्रॉपर्टी यूज कर लें कि माइनस एक्स जो होता है इसकी मॉड वैल्यू एक्स के इक्वल होती है तो ये यूज करके आप इसको साइन एक्स माइनस साइन वाई भी राइट कर सकते हैं तो ये हमारी इन जो है ये प्रूफ होगी विद द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। इसी तरह एक और इन है कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स तो बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ फंक्शन आप एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स फर्ज कर लेंगे और इंटरवल आप सपोज करेंगे जी ए एक्स और ए वाई सॉरी बी एक्स ए एक्स और बी एक्स अब यहां पर ए और बी दोनों के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स जीरो के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि अगर जीरो के इक्वल लेंगे ये तो इंटरवल ही नहीं बनेगा ये तो सिंगलटन सेट बन जाएगा तो ये इंटरवल लेकर आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है जी टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई तो इसको भी आप इसी तरह सेम स्टेप्स के साथ प्रूव कर सकते हैं इंटरवल आप सब इंटरवल इसका कोई लेंगे ये माइनस फाइव बाई टू से उसमें आप सपोज कर लें कि जैसे इंटरवल आपने लिया हुआ जी यहाँ पर आप एक्स सपोज कर लें और यहां पर आप इसको माइनस सपोज कर लें और इसको आप वाई सपोज कर लें ये आप सब इंटरवल लेंगे जी इसका माइनस फाइव बाय टू का और फाइव बाई इसके ऊपर आपने ये मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देने इस तरह ये लास्ट वन है जी टेंजेंट इनवर्स एक्स तो ये भी वेरी इजी है अगर आप सपोज कर ले जी मैं फंक्शन जो है एफ ऑफ टी जो है वो मैं सपोज कर रहा हूं जी टेंजेंट इनवर्स एक्स तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ टी जो है वो वन ओवर वन प्लस एक्स स्केर होगा और सॉरी टी टी अगर वेरिएबल ले रहे हैं तो यहां पर आप टी लिखेंगे और अगर आप इसकी एब्सल्यूट वैल्यू लेते हैं इस फंक्शन की तो ये बाउंडेड फंक्शन है और इसकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो लेस देन वन आएंगी ठीक है यहां पर टी आप जो मर्जी यहां पर पुट कर लें तो ये आपके पास लेस देन वन आएगा तो इसी को आप यूज करके तो आगे उसी बिल्कुल सेम मेथड्स के साथ आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास है जी काशेस मीन वैल्यू थ्योरम इसमें आप दो फंक्शन पोज करेंगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दोनों क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस होंगे ओपन इंटरपल इंटरवल पर, पर डिफ्रेंशिएबल होंगे तीसरी कंडीशन है कि नीचे जो फंक्शन है आ, सॉरी दूसरा जो फंक्शन है जी एफ एक्स इसका जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी ठीक है तो देन देर एग्जिस्ट अ पॉइंट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट दिस कंडीशन मस्ट होल्ड f prime of c divided by g prime इसी तरह इसकी अल्टरनेटिव वैल्यू जो है सॉरी uh, अल्टरनेटिव इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी हम इसी तरह बना लेते हैं जी uh, इंटरवल में बी को बी की जगह पर आप ए प्लस एच सपोज कर लेंगे तो कंटिन्यूस हो जाएगा इस इंटरवल पे डिफरेंशियबल हो जाएगा और उसी तरह तीसरी कंडीशन जो है वो डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे तो फिर कोई पॉइंट थीटा बिलोंग टू जीरो एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर ये वाली कंडीशन जो है ये होल्ड कर जाएगी तो ये आपके पास थी काशेस मीन वैल्यू थ्योरम है यहां तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया तो इसमें अगर आप का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट में कर देता हूं